कॉज द मेन रीजन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बच्चा सॉल्व हो गया। यानी बच्चे को अब कुछ भी कह रहे हो, बोले कुछ जाएंगे वो बच्चे को सुना देंगे, बोलेंगे नहीं वो टीचर बुला लेंगे फिर से। लेकिन आप टीचर को बच्चे को ये बोलोगे ना, पेरेंट को, आपका बच्चा सोता रहता है तो वो डिफरेंट बहाने तलाश करेगा, वो बोलेगा थका हुआ रहता है, ऐसे ही घर में भी फलाना, वो बच्चे बताना शुरू कर देंगे। आप पहले रिसर्च करो, स्टूडेंट्स को बुला, पेरेंट को बुला और उसको डायरेक्टली हिट करो। पेरेंट को बोलो आपके अंदर ये चीज़ है या नहीं, उसको एक्सेप्ट एक बार जुर्म करो, आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे सोते हो ना, दैट इज द थिंग। बोला मैं आपको तब उसकी हमदर्दी दिखाओ, दैट यू आर सो मच हैविंग अ लव विद द चाइल्ड। बोला मुझे बहुत अफसोस होता है ये बच्चा सोता रहता है, इसकी स्टडी बहुत वीक है, आप इसको फील करो, देन यू स्टार्ट टेलिंग डेफिनेटली प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ओके नंबर वन। नाउ अगर वी वांट टू हैव अ बिहेवियर प्रॉब्लम, एक बच्चा दूसरे को मारता है, हिट, बटका है, क्यों मारता है, एक बच्चा दूसरे को हिट कर रहा है, मार रहा है, हम तक कंप्लेन है, आपने उसको उठाया, एक को मार दिया, तुमने उसको क्यों मारा, ज्यादा मसला हो गया।